हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग नोटबुक आज इस वीडियो में हम क्लास फाइव साइंस का चैप्टर आर एनवायरमेंट करेंगे इस चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे से डिटेल में समझेंगे तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए और अगर आप क्लास फाइव साइंस क्लास फाइव सोशल साइंस क्लास फाइव मैथ्स या क्लास फाइव इंग्लिश ग्रामर का कोई भी चैप्टर समझना चाहते हैं तो ये सभी सब्जेक्ट हमने अपने चैनल लर्निंग नोटबुक पर अच्छे से कवर करे हुए हैं आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं और अब स्टूडेंट्स लर्निंग नोटबुक के व्हाट्सएप ग्रुप्स और टेलीग्राम ग्रुप्स भी अवेलेबल हैं आप उन्हें भी जरूर ज्वाइन करें तो आइए देखते हैं आज इस वीडियो में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर कर रहे हैं सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज एनवायरमेंट फिर हम बात करेंगे कॉम्पोनेट ऑफ एनवायरमेंट की देन आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी टाइप्स ऑफ वेस्ट ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग और उसके बाद हम करेंगे इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक एंड अंडरस्टैंड वॉट इज एनवायरमेंट एनवायरमेंट इंक्लूडिंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस तो स्टूडेंट्स एनवायरमेंट में क्या क्या होता है एनवायरमेंट में सारी लिविंग थिंग्स होती हैं और नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं जो हमारे आस पास जितनी भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सब भी एनवायरमेंट में इंक्लूडेड है तो हम लिविंग थिंग्स जैसे कि हम लोग प्लांट्स एनिमल्स हम सारे लिविंग थिंग्स हैं हम एनवायरमेंट बनाते हैं इसी तरह से नॉन लिविंग थिंग्स जैसे कि लैंड एयर वाटर रोड हाउस और जितनी भी चीजें हमारे आस पास हैं वो सब एनवायरमेंट का पार्ट है एंड एनी चेंज इन द एनवायरमेंट रिजल्ट इन इफेक्टिंग द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स और इस एनवायरमेंट में अगर कोई भी मेजर चेंज होता है चाहे वो हमने चेंज किया हो हम ह्यूमन बींग्स की वजह से कोई चेंज हुआ हो जैसे कि हम लोग इतने ट्रीज आजकल जो डिफॉरेस्टेशन हो रही है तो जो उसके इफेक्ट होते हैं वो हम सबके ऊपर ही आते हैं चाहे वो चेंज नेचुरल चेंज हो कोई फ्लड आ जाए या कोई और नेचुरल डिजास्टर हो उससे भी एनवायरमेंट में चेंजेस आते हैं तो वो सब भी हम लिविंग थिंग्स को इफेक्ट करते हैं नाउ वी विल लर्न कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट देयर आर टू मेजर कॉम्पोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंट तो एनवायरमेंट ये दो मेजर कॉम्पोनेंट्स हैं कौन कौन से पहला है नेचुरल कॉम्पोनेंट्स वो कौन से होते हैं नेचुरल कॉम्पोनेंट्स आर क्रिएटेड बाई नेचर ये वो कॉम्पोनेंट्स है जो नेचर ने खुद क्रिएट करे हैं जैसे कि पीपल हम लोग एनिमल्स प्लांट्स ये सभी नेचर ने खुद क्रिएट करे हैं और इन तीनों को साइंस uh, में बायोटिक कॉम्पोनेंट्स भी कहा जाता है इसी तरह से लैंड वॉटर एयर सॉयल ये सभी नेचर ने क्रिएट करे हैं और इनको कहा जाता है ए बायोटिक कॉम्पोनेंट्स ठीक है तो एक तो नेचुरल कॉम्पोनेंट है ये एनवायरमेंट का जो नेचर ने खुद क्रिएट करा है दूसरा कॉम्पोनेंट है मैन मेड कॉम्पोनेंट्स जैसे नाम से ही पता चल रहा है मैन मेड कॉम्पोनेंट्स आर क्रिएटेड बाय अस यानी ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट करे हैं ये कॉम्पोनेंट्स जैसे कि हाउसेस रोड्स फैक्ट्रीज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम ह्यूमन बींग्स ने क्रिएट करी हैं तो ये होती है मैन मेड कॉम्पोनेट्स तो दो कॉम्पोनेंट हैं ये एनवायरमेंट अब स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ रहे हैं टाइप्स ऑफ वेस्ट ऑल ऑफ अस जनरेट ह्यूज अमाउंट ऑफ वेस्ट विच हार्म्स द एनवायरमेंट तो स्टूडेंट्स हम सभी बहुत सारा वेस्ट जनरेट करते हैं चाहे वो हमारा हाउस होल्ड वेस्ट हो जो हम घरों में जनरेट होता है या वो फैक्ट्रीज इंडस्ट्रीज का वेस्ट हो तो ये जो वेस्ट होता है ये डेफिनेटली हमारे एनवायरमेंट को हार्मफुल है अब कौन कौन से हैं टाइप ऑफ वेस्ट दो टाइप ऑफ वेस्ट होते हैं पहला है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट द बायो वेस्ट विच कैन बी डीकम्पोज इजली एंड मिक्स विद सॉयल इज कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो वो वेस्ट जो डीकम्पोज हो सकता है आसानी से और जो मिट्टी में मिल सकता है उस वेस्ट को कहते हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये कैसे मिक्स होता है ये कैसे डीकम्पोज होता है विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम सच एज बैक्टीरिया फंगाई एंड अर्थ फॉर्म्स ये सभी हेल्प करते हैं ऐसे वेस्ट को डीकम्पोज करने में उसको सॉइल में मिक्स करने में कौन से ऐसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं लेफ्ट ओवर फ्रूट एंड वेजिटेबल पील्स पेपर लीव्स ये सभी एग्जाम्पल्स हैं बायोडिग्रेडेबल वेस्ट के और ये इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डीकम्पोज होते हैं और सेकेंड टाइप ऑफ वेस्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये कौन सा वेस्ट होता है द वेस्ट विच कैन नॉट बी डीकम्पोज इजली इस कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट तो वो वेस्ट जो आसानी से डिकम्पोज नहीं हो सकता उसे कहते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट दे डू नॉट मिक्स विद सॉयल एंड सॉइल फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम ये जो वेस्ट होता है स्टूडेंट्स ये सॉइल के साथ मिक्स नहीं होता और ये वहीं पर पड़ा रहता है जहां पर डम्प किया है वहीं पर पड़ा रहेगा बहुत बहुत ही लंबे टाइम तक फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक ग्लास एल्यूमिनियम ये है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ये मिक्स नहीं होते के साथ और ये सॉइल में ऐसे ही पड़े रहते हैं बहुत ही लंबे टाइम तक स्टूडेंट्स अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे टाइप का वेस्ट कितना टाइम लेता है डीकम्पोज होने में सॉइल के साथ मिक्स होने में देखिए ये जो किचन वेस्ट होता है जैसे कि हमने बताया था जो लेफ्ट ओवर फूड होता है या ये वेजिटेबल फ्रूट की पील्स होती हैं ये लेती है टू टू फाइव वीक्स ये डीकम्पोज होने में इनको दो से पांच हफ्ते लगते हैं पेपर वेस्ट जो होता है उसको दो से छ हफ्ते लगते हैं डीकम्पोज होने में ठीक है अब वुड जो होती है उसको टाइम लगता है एक से तीन साल के बीच में तो ये जो तीनों हैं किचन वेस्ट पेपर वेस्ट वुड ये है बायोडिग्रेडेबल वेस्ट क्योंकि इनको कम टाइम लग रहा है सॉइल में मिक्स होने में और ये मिक्स हो जाएंगे सॉइल में पर अगर हम देखें इसको जैसे कि एल्यूमिनियम कैन देखिए इसको कितना टाइम लगता है 80 से 200 हंड्रेड इयर्स लगेंगे इसको डीकम्पोज होने में इसी तरह से प्लास्टिक बॉटल इट टेक्स 450 हंड्रेड फिफ्टी ईयर्स टू डीकम्पोज इतने साल 450 साल तक वहीं पड़ा रहेगा ये प्लास्टिक ऐसे ग्लास बॉटल वन मिलियन ईयर्स तो देखिए ये जो तीनों है, ये हैं ये नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं ये डिकम्पोज नहीं होंगे आसानी से और ये वहीं पड़े रहते हैं तो ये जो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है स्टूडेंट्स ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है नाउ वी विल लर्न अबाउट ग्लोबल वार्मिंग द ग्रेजुअल इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग तो जो अर्थ का टेम्परेचर है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है वो इंक्रीज हो रहा है उसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग और ये क्यों हो रहा है इट इज कॉज बाय अ फिन नोन एज ग्रीन हाउस इफेक्ट ये हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से सो लेट्स अंडरस्टैंड वॉट इज ग्रीन हाउस इफेक्ट फर्स्ट अ ग्रीन हाउस इज अ ग्लास हाउस ग्रोइंग प्लांट्स इन कोल्ड रीजन तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम ये समझते हैं कि ग्रीन हाउस इफेक्ट हम यूजली कहाँ यूज होता है ये तो ये यूज होता है आ, प्लांट्स को ग्रो करने के लिए ठंडी जगहों पर जहां पर धूप की कमी होती है गर्मी की कमी होती है वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट यूज होता है तो इस ग्रीन हाउस इफेक्ट में क्या होता है एक ग्लास हाउस होता है उस ग्लास हाउस में हम प्लांट्स ग्रो करते हैं अब कैसे होता है ये द ग्लास अलाउज सनलाइट टू एंटर द ग्रीन हाउस ड्यूरिंग द डे बट डॉट अलाउ हीट एनर्जी टू एस्केप ड्यूरिंग नाइट तो जब एक शीशे का घर है उसमें जब लाइट सनलाइट अंदर जा रही है तो दिन में सनलाइट अंदर जा रही है तो जो शीशा होता है वो हीट को सनलाइट को जो उसकी हीट एनर्जी है उसको बाहर नहीं जाने देता वो उसको ट्रैप कर लेता है अपने अंदर तो इस वजह से ग्रीन हाउस ट्रैप्स हीट इनसाइड एंड मेक द टेम्परेचर कंड्यूसिव फॉर ग्रोइंग प्लांट्स तो इस वजह से क्या होता है जब हीट ट्रैप हो गई है उस ग्रीन हाउस के अंदर तो एक टेम्परेचर अच्छा टेम्परेचर मिलता है सही टेम्परेचर मिलता है प्लांट्स को ग्रो होने के लिए स्टूडेंट्स यही बात मैं आपको इस पिक्चर के थ्रू दोबारा समझा देती हूं ये एक ग्रीन हाउस है जिसे बनाया गया है एक कोल्ड रीजन में अब जब सनलाइट इसके अंदर जा रही है तो इस ग्लास ने इस सनलाइट को अपने अंदर ट्रैप कर लिया है जिससे अंदर का टेम्परेचर बहुत ही अच्छे से मेंटेन हो गया है प्रॉपर टेम्परेचर बन गया है जो प्लांट्स को ग्रो करने के लिए बिल्कुल आइडियल है तो इस प्रोसेस को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ एटमोस्फेयर ऑल्सो एक्ट लाइक अ ग्रीन हाउस तो सुडिंग्स अब अर्थ के बारे में बात करते हैं तो जो अर्थ की एटमोस्फेयर है वो इस ग्रीन हाउस की तरह ही एक्ट करती है अर्थ सरफेस इन द सनलाइट ड्यूरिंग द डे एंड नाइट बाय रिलीजिंग द हीट बैक इन द एयर तो क्या होता है दिन में जब सन होता है तो वो हमारी अर्थ को गर्म रखता है उसकी जो सरफेस है वो गर्म रहती है सनलाइट की वजह से पर रात को जब सन नहीं होता तो अर्थ धीरे धीरे ठंडी होनी शुरू हो जाती है ठीक है ये रोज ऐसे ही चलता है ऑफ दिस हीट इज ट्रैप्ड बाय ग्रीन हाउस गैसेस दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन एंड वाटर वेपर इन अर्थ एटमोसफेयर पर इसमें से जो कुछ हीट होती है वो ट्रैप कर ली जाती है ग्रीन हाउस गैसेस द्वारा कौन सी है ये गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन वाटर वेपर ये जो गैसेस हैं इन्होंने हमारे अर्थ के जो आसपास एटमॉस्फेयर है वहां पे एक ब्लैंकेट बनाया हुआ है तो ये ग्रीन हाउस गैसेस ये इनमें से कुछ हीट को ट्रैप कर लेती हैं। द इफेक्ट बाय विच गैसेस इन अर्थ एटमोस्फेयर ट्रैप हीट एंड हेल्प अर्थ रिमेन वॉर्म इज कॉल्ड ग्रीन हाउस इफेक्ट तो यही जो इफेक्ट होता है इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं इस इफेक्ट में क्या होता है जो गैसेस हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में वो ट्रैप कर लेती हैं जो हीट को और उसको अर्थ को गर्म रखती हैं। इसी इफेक्ट को कह, कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट ये देखिए यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू भी मैं आपको ये बात समझा देती हूँ ये हमारी अर्थ है इसके आसपास ये एटमोस्फेयर है अब एटमोस्फेयर के बाद एक ब्लैंकेट सा बना हुआ है इन ग्रीन हाउस गैसेस का कौन कौन सी गैसेस हैं वो मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर तो अब जब दिन में स्टूडेंट्स सन आता है तो जो सनलाइट धरती पर पड़ती है तो उससे हमारी अर्थ गर्म होनी शुरू हो जाती है और नाइट जब आती है सनलाइट चली जाती है तो वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है पर सारी हीट वापस नहीं जाती ये जो लेयर है मिथेन कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर की ये उसमें से कुछ हीट को ट्रैप कर लेती है जिससे हमारी जो अर्थ है वो वार्म रहती है तो इसी इफेक्ट को कहते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट और ये इफेक्ट बहुत जरूरी है हमारी सर्वाइवल के लिए अगर ये इफेक्ट नहीं होगा तो अर्थ वुड बी टू कोल्ड फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट अर्थ इतनी धीरे धीरे इतनी ठंडी हो जाएगी कि उस पर रहना पॉसिबल नहीं होगा तो ये ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत जरूरी है हमारी सर्वाइवल के लिए हाउ एवर इफ द ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज इन द एटमोसफेयर द इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इंक्रीजेस एज वेल अब स्टूडेंट्स प्रॉब्लम कहाँ आ रही है प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर ये जो ग्रीन हाउस गैसेज है जैसे की कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन ये अगर एटमोसफेयर में बढ़ती है तो इनका जो ये इफेक्ट होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट वो भी बढ़ता है ग्रीन हाउस जो गैसेज हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और मिथेन ये हम लोग ही जनरेट कर रहे हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करते हैं अगर कुछ हम बर्न करते हैं जलाते हैं जब भी कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज होती है तो एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है एटमोसफेयर में इनका जिससे कि प्रॉपर ग्रीन हाउस इफेक्ट रहे अगर ये गैसेस बढ़ती हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बढ़ता है उससे क्या होता है कि इट कैन हीट द एटमोस्फेयर मोर एंड कॉज टेम्परेचर टू राइज अराउंड द वर्ल्ड लीडिंग टू ग्लोबल वार्मिंग तो जब ये ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट बढ़ता है तो उससे क्या होता है कि पूरा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो जाता है राइज होना शुरू हो जाता है टू ग्लोबल वार्मिंग तो जब ये ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज होती है तो ये हीट भी ज्यादा ट्रैप करती हैं जिसकी वजह से हमारी अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है वो और गर्म होनी शुरू हो जाती है और इसी राइज इन टेम्परेचर को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग सो नाउ वी विल स्टडी अबाउट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग पहला इम्पैक्ट ग्लोबल वार्मिंग का है क्लाइमेट चेंज द वेदर कंडीशन मोर अनप्रिडिक्टेबल एंड एक्सट्रीम अक्रॉस द ग्लोब तो स्टूडेंट्स ग्लोबल वार्मिंग से एक तो क्लाइमेट चेंज हो सकता है जो वेदर कंडीशन हैं वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हो सकती हैं इसका मतलब है कि गर्मी में बहुत ज्यादा गर्मी पड़ सकती है सर्दी में बहुत ज्यादा सर्दी पड़ सकती है रेनफॉल अब नॉर्मल बारिशों के मौसम में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है लॉन्ग ड्राउट मतलब बहुत लंबे समय तक सूखा पड़ सकता है एंड फ्रीक्वेंट हीट वेव्स कैन ऑल्सो अकर तो ये तो पहला इंपैक्ट है दूसरा इंपैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस इट कैन रिजल्ट इन इंक्रीज इन सी लेवल विच कैन रिजल्ट इन फ्लड्स इन कोस्टल एरियाज तो दूसरा इंपैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस देखिए जो साउथ पोल और नॉर्थ पोल में जो आइस है ये जो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है अर्थ का तो उसकी वजह से ये आइस मेल्ट होनी शुरू हो जाती है पिघलनी शुरू हो सकती है जिससे क्या होगा वो मेल्ट होके हो कहा जाएगी वो सी में जाएगी जिससे कि सी लेवल इंक्रीज हो जाएगा और जब सी लेवल बढ़ेगा तो जो कोस्टल एरियाज हैं वहां बाढ़ आ सकती है फ्लड आ सकती है उन कोस्टल एरियाज में लेट्स सी द नेक्स्ट इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज मैनी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कैन बिकम एक्सटिंग टू अडाप्टेम्परेचर अब देखिए स्टूडेंट्स, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को सस्टेन करने के लिए एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की जरूरत होती है अगर ये टेम्परेचर इंक्रीज होता चला जाता है तो ऐसे बहुत सी स्पीशीज हैं प्लांट्स की और एनिमल्स की जो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी इस इंक्रीजिंग टेम्परेचर की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी क्योंकि वो अडेप्ट ही नहीं कर पाएंगे इस इंक्रीजिंग टेम्परेचर को नेक्स्ट शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वॉटर ड्यू टू मेल्टिंग ऑफ आइस विच इज द प्राइम सोर्स ऑफ फ्रेश वॉटर देयर विल बी शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वॉटर देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आइस मेल्ट हो सकती है तो ये जो आइस है ये हमारे माउंटेन्स पे भी है तो जब ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये जो माउंटेन्स की आइस है वो भी मेल्ट होनी शुरू हो जाएगी और ये जब आइस मेल्ट होती है तो ये क्या बनाती है ये रिवर्स बनाती है जो सोर्स है हमारे फ्रेश वाटर का पीने के पानी और ये जो भी जितना भी फ्रेश वाटर है हमारा वो सोर्स है उसका तो जब सारी आइस मेल्ट हो जाएगी तो धीरे धीरे रिवर्स भी सूखनी शुरू हो जाएंगी तो इसका मतलब है देर विल बी शॉर्टेज ऑफ फ्रेश वाटर तो ये सारे अभी हमने पढ़े इंपैक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। नाउ वी विल लर्न सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर क्वेश्चन वन ए बायोटिक कॉम्पोनेंट ऑफ एनवायरमेंट इंक्लूड डैश इज इट लैंड एयर वॉटर और ऑल ऑफ दीस यस। आंसर इज ऑल ऑफ दीस नेक्स्ट द वेस्ट विच कैन बी डीकम्पोस्ट ईजिली एंड मिक्स विद सॉइल इज कॉल्ड इस वेस्ट को क्या कहते हैं जो डीकम्पोज हो जाता है आसानी से बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहेंगे ये इट इज नोन एज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट नेक्स्ट अ ग्रीन हाउस इज अ ग्लास हाउस यूज फॉर ग्रोइंग प्लांट्स इन वॉर्म रीजन इज इट ट्रू और फॉल्स आंसर इज फॉल्स ग्रीन हाउस इफेक्ट कहां यूज होता है ये यूज हो रहा है कोल्ड रीजन में एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज आर डैश कार्बन डाइऑक्साइड मिथेन वॉटर वेपर या ऑल ऑफ दीज आंसर इज ऑल ऑफ दीस ग्लोबल वार्मिंग कैन डायरेक्टली लीग टू डैश इंक्रीज इन टेम्परेचर क्लाइमेट चेंज मेल्टिंग ऑफ पोलर आइस या ऑल ऑफ दीज अभी मैंने आपको सारे इंपैक्ट पढ़ाए थे ग्लोबल वार्मिंग के तो आंसर है ऑल ऑफ दीस डैश आर कॉजिंग द हार्म टू एनवायरमेंट कॉन्टिन्यूसली ऑप्शन क्लामिटीज ह्यूमन्स एनिमल्स या नन ऑफ दीज आंसर इज ह्यूमन हम लोग ही हार्म कर रहे हैं एनवायरनमेंट को कंटिन्यूअसली